तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है, लेट ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। सो अपन को इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो अपन को पता है कि अपन को बोल रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। सो अपन बोल सकता है कि इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, दोनों तरफ मैंने कंजुगेट ले लिया। अब इसको मैं 1/a लिख सकता हूँ, इसको 1/b लिख सकता हूँ, इसको 1/c लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए ए बार इज इक्वल टू 1 है, बी बी बार इज इक्वल टू 1 है, सी मल्टीप्लाई बाय सी का कॉन्जुगेट 1 है। सो उस हिसाब से ये लिख दिया। अब यहाँ से मुझे पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो आएगा सिंपली, और इनमें से कोई जीरो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो सिंपली कर सकते हैं अपन। और अपन को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये वाली क्वांटिटी तो जीरो है और इधर वाली क्वांटिटी भी जीरो हो गई क्योंकि ये जीरो है। सो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। सो उसका मॉड्यूलस भी ऑब्वियसली जीरो होगा। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।